लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सिस्टम पे. डू यू थिंक कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन बिजनेस एंड मेडिसिन? कंप्यूटर सिस्टम तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप, जहां पर प्रोसेसिंग चाहिए, जहां पर आपको ह्यूमन बींग को रिप्लेस करना है या फिर ह्यूमन बींग की जो पावर है उसको इमेंसिपेट करना, बढ़ाना है, तो बिल्कुल आप कंप्यूटर सिस्टम को बिजनेस और मेडिसिन में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. कंप्यूटर एप्लीकेशन जो बिजनेस में है और ये नेसेसिटी हो गई है, चाहे आप बिलिंग कर रहे हो, बजटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, बिजनेस में हो, और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी आपको ऐसा काम करना हो जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें बहुत आ गए हैं. मेडिसिन, अब देखिए एक साहब यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वो US में बैठे हैं और रिमोटली ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए बांग्लादेश में. अब ये इतनी चीजें हो गई है कि आप ये रिमोटली ऑपरेशन भी कर रहे हैं, ये मेडिसिन का बेनिफिट है, और ये मेडिसिन का बेनिफिट कंप्यूटर साइंस से 100 गुना और बढ़ गया है. तो अगर पेशेंट को मॉनिटर करना है, अब देखिए किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो कहता है पहले आप ये रिपोर्ट निकाल के लाइए. रिपोर्ट निकलती है आपकी, वो भी कंप्यूटराइज बेस्ड होती है, कंप्यूटर से ही निकलती है. डिसीज को डायग्नोज करना है, कुछ उसका MRI स्कैन है, एक्सरे स्कैन है, ये सारी चीज़ है, और कोई पेस मेकर लगाना है किसी के हार्ट पे. तो मैं इसका क्या एग्जांपल दूंगा, आप खुद ही लिख सकते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स हैं. हर चीज़ जो है वो मेडिसिन की आजकल कंप्यूटर साइंस से ही हो रही है. इन व्हाट वेज द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन एजुकेशन रिसर्च? अब कंप्यूटर सिस्टम को आपको एजुकेशन रिसर्च में अप्लाई करना है. अब आप देखें कि अब आप लाइब्रेरी में कितना जाते हैं और गूगल पे कितना जाते हैं, सही सही बताइएगा कि गूगल में कितना जाते हैं. और हर चीज़ जो है वो अब ऑनलाइन अवेलेबल है, पढ़ना भी है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, प्रोजेक्ट भी बनाना है तो ऑनलाइन बना लीजिए, रिपोर्ट बनाना है तो ऑनलाइन बना लीजिए, कंप्यूटर पे बना लीजिए, सिस्टम पे बैठ के बना लीजिए. एक वर्चुअल क्लासरूम जहाँ पर इंस्ट्रक्टर है अलग अलग रीजन में, पहले तो क्या है एक क्लास है, मान लीजिए सुंदरपुर में एक क्लास है, सारे के सारे जो 100 बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ टीचर आ गए और टीचर नहीं भी आए, छुट्टी ले रही टीचर एक हफ्ते की, फिर क्या करेंगे आप? अब सब वर्चुअल है. अब ये बंदा यहाँ बैठा है अमेरिका में, ये बैठा है बांग्लादेश में, ये बैठा है इंडिया में, और तीनों एक इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हैं जो कोई किसी जगह पे है आपको पता भी नहीं, और सब लोग इंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं. ऐसे ही अगर आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में भी आपको करना क्या होता है, आपके पास कोई चीज़ है उसको और आपको टेस्ट करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं अलग अलग. और जैसे अगर आप कोई ऐसा एक्शन करना चाह रहे हैं जो आप वन टाइम नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन चेक करना है या ऐसी कोई चीज़ करनी है, मिसाइल छोड़नी है, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार तो नहीं छोड़ सकते आप, अगर छोड़ेंगे तो लाखों करोड़ों का अगर गलत हो गया तो नुकसान हो जाएगा. ऐसी आपको सेटेलाइट का प्रक्षेपण करना है, इस जगह पर कंप्यूटर आप सिमुलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, क्या सही है, क्या गलत है. कोई डिजास्टर होता है, कुछ होता है, उसको पहले से पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है. ये सारे कंप्यूटराइज ही हो रहे हैं. और ये जो आपके मौसम को जानना है, कोई कैलामिटी होने वाली है उसको जानना है, ये सारी चीज़ रिसर्च का ही एक एस्पेक्ट है जो आप कंप्यूटर सिस्टम से कर रहे हैं. हाउ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अप्लाइड इन कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे? आप देखें, आप का भाई जो है अब US में है, आप कैसे बात करते हैं? फेसबुक से बात करते हैं, व्हाट्सएप से बात करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो स्काइप पे बोलते हैं, स्काइप पे आ जाओ भाई. आप बोलते हैं कि व्हाट्सएप कॉल कर लो, तो आमने सामने आप देख रहे हैं, यानी कि आप ईमेल, चैट, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वॉइप कर रहे हैं, जो स्काइप मैंने बताया आपको. आपको कोई चीज़ भेजनी है, व्हाट्सएप पे भेज दी, ईमेल पे भेज दी, तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से एक साथ, आप चैट कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप तो ब्रॉडबैंड है आपके पास, 4G 5G आ गया है, आपसे आप कैसा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एकदम क्लियर वॉइस आ रही है, क्लियर साउंड हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें इससे बच गई हैं, आपका पैसा बच रहा है, रिसोर्स बच रहा है, सब कुछ इससे बच रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन में आप कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं. डू यू थिंक कंप्यूटर सिस्टम्स कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? वाई? मैन्युफैक्चरिंग में तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है. मैन्युफैक्चरिंग में तो एक काम होता है, एक काम जो होता है वो हमेशा उस तरीके से हो रहा है. मान लीजिए आप कोई चीज़ जनरेट करनी है, पैकिंग करनी है, उस पर लोगो लगाना है, फिर उसको टेस्टिंग करनी है कि जो चीज़ बनी है वो सही बनी कि नहीं बनी, वो सारी चीज़ें किससे हो रही है? कंप्यूटर सिस्टम से ही हो रही है. तो अगर आप जो रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग है इसमें रेगुलेशन कंट्रोल का बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करना है, उसे पैकेज करना है, उसके बाद इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप एक एक करके कंप्यूटराइज कर सकते हैं,
और यहाँ पर ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है, आपको आदमी केवल देखने के लिए होंगे कि भाई सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद आप एक बटन दबाएंगे और सारी चीज़ें खटाखट 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 होने लगी। तो आदमी के हिसाब से और मशीन के हिसाब से जो प्रिसीशन एक्यूरेसी वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से कैसे मैन्युफैक्चरिंग में हम कंप्यूटर का रोल देख पा रहे हैं। चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी अच्छी और तेज़ और फास्ट और एक्यूरेट हो रही है, इतना बढ़िया कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, आपको दाम भी सस्ता मिल रहा है। हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नेंस एंड डिफेंस। अब देखिए, आप गवर्नेंस में मतलब ये है कि कोई भी टैक्स लेना है, गवर्नमेंट का मेन काम होता है कि वो टैक्स लेगी जनता से और उसको उन पे यूज करेगी। कोई रेलवे है, टिकट है, या कोई बिल एक्सपेंस आपको जमा करना है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर लगाने से अच्छा आप वेबसाइट पे जाइए और पानी का बिल आया यहाँ से पे कर दीजिए, बिजली का बिल आया यहाँ से पे कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है आपको गवर्नमेंट को लिख लीजिए। इसी तरीके से डिफेंस में भी बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका अलग अलग चीज़ें हैं, डिफेंस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और सब चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज है या कंप्यूटर के से ही दिखा रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको सेटेलाइट का प्रक्षेपण करना है या मिसाइल छोड़नी है, तो इसमें मिसाइल कैसे बनाएंगे, क्या प्रिसीशन होगा, ये जाके कहाँ टकराएगी, कैसे टकराएगी, वो सब कंप्यूटराइज ही है, सब चीज़ें कंप्यूटराइज चल रही है। तो आप कंप्यूटर सिस्टम का तो रोल बहुत ज़्यादा है इंसान। व्हाट आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, नेम देम एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन फॉर इट। जो बेसिक कंपोनेंट है उसमें सिस्टम यूनिट होती है, मॉनिटर है, आपका माउस है, कीबोर्ड है, या आप ये कहें कि इनपुट है, आउटपुट है, आपका स्टोरेज यूनिट है और फिर प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें आपका मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, साउंड कार्ड है। मॉनिटर जो होता है वो आपको जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ रिजल्ट आ रहा है उसको देखना है, तो सीआरटी है, एलसीडी पे देख सकते हैं, एलईडीज पे देख सकते हैं। माउस या फिर इनपुट कह सकते हैं आप इसको, चाहे आप हाथ से करें, चाहे आप स्टाइलस से करें, चाहे आप प्रॉपर माउस से करें। ऐसे कीबोर्ड है जहाँ से आप वैल्यू फीड करेंगे, कंटेंट फीड करेंगे। कंप्यूटर्स आर अनेबल टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, इंस्टेड दे डिपेंड अपॉन द इनपुट बीइंग प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन, गिव एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आप एक देखिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को, लेकिन कंप्यूटर ये बोलेगा कि आप मुझे ए दीजिए, बी दीजिए, तब मैं आपको सी दूंगा, रिजल्ट दूंगा ना। आप दो देंगे, तीन देंगे, तब ये आपको पांच दे देगा, छह देंगे, सात देंगे, तो आपको ये तेरह दे देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर मशीन्स है, मशीन्स क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें भी आपका रैम होती है, इसमें आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, इसमें वायर्स होते हैं, इसमें आपके सारे रजिस्टर ट्रांजिस्टर सब कुछ लगे हुए हैं। अब इसमें सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं है, जो आपने एक बार बता दिया वो उसे करना है, लेकिन वो जो करता है वो ऐसा करता है कि बस फिर तो सब चीज़ों को रेप्लीकेट कर सकता है, वो ह्यूमन बींग को आराम से वो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन उसमें जो आईक्यू नॉलेज जो हमारे में है, ह्यूमन बींग में है, एबिलिटी जज करने की, डिसीजन लेने की, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है। तो ये जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक विधा है जो सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल, और कंप्यूटर साइंस में AI जब जुड़ जाएगी, तो देखिए आपके पास एक कार है, गूगल एक कार बनाती है जो कार बगैर इंसान के चलती है, इंसान बैठा हुआ है वो कार चल रही है, सारी चीज़ देख रही है, एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, सेफ स्टेट चल रही है, सारे जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करके चल रही है। ये क्या है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम ही तो है जो ह्यूमन बींग के बगैर चल रही है, लेकिन ह्यूमन बींग ने ही बनाया है इसको, ह्यूमन बींग ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के, और भी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।